एक बार एक राजा बहुत बुजुर्ग हो चुका था, अपनी राजधानी को संभालने के लिए उसको एक अच्छे प्रशासक की जरूरत थी, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। तो उस राजा ने अपने पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि हमें नए राजा की तलाश है, इस नए राजा को ढूंढने के लिए हमें कंपटीशन करना चाह रहे हैं, जो इस कंपटीशन को फाइट करेगा उसको हम नया राजा घोषित करेंगे। तो कंपटीशन के लिए सुन लीजिए ध्यान से, कंपटीशन उसने क्या किया कि अपना जो किला है उसके आसपास पानी भरवाया, उसमें नहर में पानी भरवाने के पश्चात उसमें बहुत सारे पानी के जो जहरीले जानवर हैं उनको छोड़े गए और ऐलान करवाया कि जो इसको नहर को पार करके महल तक पहुंचेगा उसको राजा घोषित किया जाएगा। तो सभी व्यक्ति उस कंपटीशन को फाइट करने के लिए उस नहर के किनारे आए, किले के आसपास सब एकत्रित हो जाते हैं। उसके बाद काफी टाइम हो जाता है, किसी की हिम्मत नहीं होती किले तक पहुंचे। उसी दौरान एक छोटा बच्चा, ज्यादा उसको समझ नहीं थी इस प्रोग्राम के बारे में क्या प्रोग्राम हो रहा है, वो आकर के वो भी भीड़ में देखने लगता है कि क्या हो रहा है। इतने में किसी ने उसको पीछे से धक्का दिया और नहर में गिर जाता है। तो गिरने के बाद आप जानते हो हाथ पांव चलाना सबको आता है, कैसे भी करके वो दूसरे किनारे पे पहुंच जाता है, महल की तरफ चला जाता है। वहां जाने के पश्चात राजा के सैनिक, राजा के आदमी उसको उठा लेते हैं, बाहु में भर लेते हैं और नए राजा की जय जयकार करने लग जाते हैं कि हमारा नया राजा, नया राजकुमार ये होगा। तो देखता है अचंभित हो जाता है कि मैंने ऐसा कौन सा कर लिया, मेरे साथ क्यों मजाक कर रहे हो आप। तो उन्होंने सबने कहा कि ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। तो हकीकत बाद में होगा, उस लड़के ने कहा पहले बताओ कि मुझे धक्का किसने दिया, पहले बताओ मुझे धक्का किसने दिया और ये क्या प्रोग्राम है, मेरे साथ क्यों मजाक कर रहे हो। कि नहीं ये हकीकत है, आप सबसे हिम्मत वाले हो, चूंकि आप इस नहर को पार कर जाए, इतने पानी के जहरीले जानवरों को पार करते हुए, खतरनाक जानवरों को पार करते हुए आप महल तक आए हैं, इसलिए आप इस कंपटीशन में विजय घोषित हुए हैं, आपको राजा बनाया जाएगा और राजा बनाने के बाद ये पूरा साम्राज्य आपको संभालना है। तो सेम ऐसी कंडीशन हमारे साथ है, हम कैसे भी कोई भी कंपटीशन पास करके आए, चाहे जबरदस्ती आए या अपनी मर्जी से आए, लेकिन आपको ये शिक्षा विभाग का पूरा साम्राज्य मिला हुआ है। अब इस राजधानी को, शिक्षा विभाग की राजधानी या शिक्षा विभाग को संभालना आपका काम है, आपकी ड्यूटी बनती है कि इस विभाग को या अपने जो पेशे को किस प्रकार से हम संभाले और इसमें निखार लेकर आवे। आप जितनी नई नई एक्टिविटी करेंगे, नए नए प्रयोग करेंगे अपने लिए कि किस प्रकार से अच्छा हम शिक्षण कार्य करें, उन बच्चों तक शिक्षा का हक जगाए, तभी जाकर के हमारा ये जो राजधानी हमें प्राप्त हुई है या जो हमें अधिकार प्राप्त हुए हैं उनका भरपूर उपयोग कर सकेंगे और गांव गांव धाड़ी धाड़ी तक हर बच्चे के पास शिक्षा का हक जगाएंगे। धन्यवाद।